तो ये क्या बना रही हैं आप आइस क्लोज मामा YouTube का लोगो YouTube का लोगो ये इसकी बेस में क्या है बेटे uh, थर्मापोल थर्मापोल को यूज किया वाह ऊपर पोस्टर पेंट सर यस अच्छा शो मी अगेन शो मी शो मी कितना प्यारा है ना बहुत अच्छा लग रहा है ना चांद वाह wow. ये, ये मैं अभी अभी बनाया है wow. वाह हेलो एन वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली ये हाला और शायन एक्चुअली इन दोनों के शायन को तो रिवीजन वीक्स चल रहे हैं और बल्कि उनकी भी असेसमेंट्स हो रही हैं जिसके मार्क्स जो हैं फाइनल टर्म में आ रहे होंगे और हाला की भी असेसमेंट्स चल रही हैं एंड नेक्स्ट वीक फिर इनका रिवीजन का जाना है एंड फाइनल टर्म ओके ना ये दोनों को थोड़ा सा वो कल इनका उर्दू का पेपर है और उसमें आपको पता है कि बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है आजकल और अब इन दोनों ने शाम में ब्रेक लिया हुआ था थोड़ा सा पढ़ने के बाद और दोनों पोस्टर पेंट से फ़न कर रहे थे एंड हाला बड़ी खुशी से बता रही थी कि उन्होंने ये यूट्यूब का लोगो बनाया है पता नहीं इनके जहन में बैठे बिठाए कहाँ से आ गया और आ, मैं भी पास में ही बैठी हुई थी एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड मेकिंग वीडियो और फिर दोनों एक दूसरे से कह रहे थे चले हम दोनों ना एक दूसरे के हाथ पे ये यूट्यूब का लोगो बनाते हैं और सबसे मुश्किल काम मेरे लिए ये था कि मुझे ये बताना था कि इन दोनों में से किसने अच्छा यूट्यूब का लोगो बनाया मैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंस जाती हूँ वेल बताइएगा कि हाल ने ज़्यादा अच्छा बनाया या शायन ने ज़्यादा अच्छा बनाया अब इसी दौरान मैंने सोचा कि चूँकि अभी ब्रेक लिया हुआ है इन दोनों ने मैं थोड़ा सा वीडियो क्लिप भी बना लेती हूँ क्योंकि अब शाम में जाहिर है कुछ ना कुछ बच्चों को खाने के लिए तो ज़रूर देना होता है तो आई डिसाइडेड कि ये जो बहाला की फरमाइश पे आई हुई थी स्ट्रॉबेरीज और शान को कीवीज़ पसंद हैं तो मैंने सोचा कि इनको इनका ना एक सैलड बना देती हूँ डरस उनको क्योंकि आजकल ये इतनी ज़्यादा मुझे ये मीठी लगी नहीं थी ये थोड़ी सी मुझे बिटर सी लग रही थी और इसी तरह से ये भी आ, कीवी भी बहुत ज़्यादा मीठे नहीं थे सो so, uh, लेकिन uh, मैंने इसको काट के ना इस पर थोड़ा सा नमक इन दोनों पे डाल दिया ताकि वो फिर वो थोड़ी सी इनमें मिठास आ जाती है और मैंने सोचा इस तरह से बच्चों को अच्छी सी एनर्जी भी मिल जाएगी और फल भी यह है कि खाने से ज़रा थोड़ी देर इनको थोड़ी देर के बाद इन्हें भूख लगने लगेगी और यही चाहती हूँ कि इस वक्त ऐसी चीज़ दी जाए जो फ्राइड ना हो मोस्टली अवॉइड करती हूँ लेकिन आपको पता है कि बच्चों को तो यही चीज़ें पसंद होती हैं जिनमें नगेट्स वगैरह या रोल्स हो गए या हाला समोसा बहुत शौक़ से खाती हैं और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैं चाहती हूँ कि बच्चे कम ही खाएं खानी भी चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा ना खाएं और इस वक्त शाम में फल वग़ैरह देने को दिल चाहता है ताकि बच्चे फल भी खाएं वरना तो फल रह ही जाते हैं वेल आप बताइएगा कि आपके बच्चे कौन सा फल शौक से खाते हैं और शाम में ज़ाहिर स्नैक्स कुछ ना कुछ बनाने पड़ते हैं वेल well, uh, uh, आज इतनी लंबी मैं ये वीडियो बना नहीं पाऊंगी रीज़न यू नो दैट कल उर्दू का इन दोनों का है पेपर है और डेफिनेटली uh, उसकी तैयारी करवानी है और सेलेबस बहुत ज्यादा होता है उसमें आपको पता है कि उर्दू की ग्रामर भी साथ में इंक्लूडेड है हालांकि तो वो इतनी ज़्यादा चीज़ें दे दी जाती हैं तो छोटे बच्चों के लिए आपको प्रिपेयर करवाना थोड़ा सा uh, आपको टाइम देना पड़ता है वेल well, uh, साथ में ही थोड़ा सा मेरा ये प्रॉब्लम है कि आजकल ना मेरे टीथ बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं और आल दो मैं एंटीबायोटिक्स ले रही हूँ लेकिन मुझे कोई इतना खास उनमें फ़र्क लग नहीं रहा और रमज़ान भी आने वाले हैं और उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि दांतों का मसला हल हो जाए मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करिएगा तो ये इसमें ना मैंने थोड़ी सी आइसिंग शुगर भी डाल दी थी फल काट के और मेरे बच्चों को ये क्रीम वाला अच्छा लगता है फ्रूट सेलेड तो इसमें मैंने ज़्यादा सी क्रीम डाल दी और थोड़ा सा मायनेस डाल दिया ताकि ये क्रीमी हो जाए और इसके बावजूद ये थोड़े से फ्रूट्स ज़्यादा थे और इसमें क्रीम कम थी तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था खाने में ना जो ज़्यादा क्रीम पसंद करते हैं ना उनका दिल चाहता है कि मजीद क्रीम और क्रीम में फ्लोट कर रही हूँ सारी चीज़ें तो ऐसा नहीं था बहुत कम आ, कह सकते हैं कि मुनासिब सी क्रीम थी और इसमें थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर भी डाल दिया थोड़ा सा नमक डाल दिया और थोड़े से नट्स डाल दिए और इसमें ना फ्रूट सैलेड में अच्छा लग रहा होता है आप अगर इसमें किशमिश डाल दो और साथ में थोड़े से वॉलट्स डाल दो और बस इसी तरह मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए और खुश रहिए खुशियाँ बांटिए और अपनों का ख्याल रखिए